शिला सनातन गोस्वामी ने भागवत का गुणगान करते हुए एक सुंदर श्लोक कहा है, सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभो कली ध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। संक्षिप्त रूप में संपूर्ण भागवत, क्यों भागवत, कितने सारे असंख्य पुराण हैं, असंख्य श्लोक हैं पुराण में, क्यों भागवत। सर्व शास्त्र अवधि, अवधि यानी अगर सब शास्त्रों को एक समुद्र की तुलना की जाए, अभी आठवें स्कंध में हम समुद्र मंथन की चर्चा करेंगे, जो समुद्र का मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला। सर्व शास्त्र अवधि, अगर सब शास्त्रों को समुद्र में डाल के मंथन करो, उसके बाद जो पीयूष, पीयूष यानी अमृत जो निकलेगा वो है भागवत। सर्व वेदैक सत्फल निगमकल्पतरोर गलितम फलम, ये अगर आपने बीज डाला, पेड़ उगा, पेड़ का क्यों डालते हैं हम फल खाने के लिए, तो वो फल जो है सर्व वेदैक सत्फल शुद्ध परिपक्व ऐसा आम जिसमें न गुठली है न छिलका, किसको अच्छा नहीं लगता, ये द्रव गुठली नहीं छिलका नहीं, ऐसा आमरस आपको कोई मिलता है दे सकता है, ये है, इसमें गुठली और आम नहीं है, धर्मार्थ काम मोक्ष नहीं है, शुद्ध भक्ति है। फिर सर्व सिद्धांत रत्न अढ्य, अढ्य यानी खान, सर्व सिद्धांतों का, रत्नों का मतलब आपको कोई भी चीज चाहिए इस संसार में, कोई भी सिद्धांत, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सब लॉजी इसके अंदर है। भागवत के अंदर संपूर्ण सब सब चीजों का सिद्धांत है। रामानंद राय से जब पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर से उन्होंने समझाया, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद, ये अंधकार हो गया है, सब अंधे हो गए हैं, किस दिशा में जाना है समझ में नहीं आ रहा है, उस समय में ये सूरज जैसा चमकता है, कली ध्वांत उदित आदित्य, भ्रमित कलियुग के लोगों के लिए एक सूरज सूरज जैसा उग गया है। श्री कृष्ण परिवर्तित, श्री कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। अब जब श्री कृष्ण धर्म ज्ञान के साथ लीला समाप्त करके चले गए, अब कलयुग के पथ भ्रष्ट जीवों के लिए, अंधकार में जो पड़ गए हैं उनके लिए श्री कृष्ण परिवर्तित, वही श्री कृष्ण ग्रंथ के रूप में भागवत के रूप में आए, विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, नाम के रूप में चैताम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम के रूप में हमारे जिह्वा पर नाचने के लिए तैयार हैं, विग्रह के रूप में हमारी सेवा लेने के लिए आतुर होकर आते हैं वो, ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है।